सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाने वाली रशियन ओरिजिन की R-73 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए MBDA द्वारा डिजाइन की गई एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर विचार कर रही है। और MBDA की इस मिसाइल को केवल सुखोई फाइटर्स में ही नहीं बल्कि LCA तेजस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर इंडियन एयरफोर्स ने रशिया की R-73 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए MBDA की इस मिसाइल को ही क्यों चुना, और आखिर इस मिसाइल में ऐसी क्या खास बात है जो इसे रशियन ओरिजिन की R-73 मिसाइल से सुपीरियर बनाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे मुख्य रूप से AIM-132 एसरम मिसाइल के नाम से जाना जाता है और इसे प्रोड्यूस किया है यूरोपियन कंपनी MBDA ने। ये एक अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन की शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड हीटिंग सीकर्स के साथ आती है। एसरम मिसाइल परियोजना की शुरुआत सन 1980 के दशक में जर्मनी और यूके दोनों ने संयुक्त रूप से शुरू किया था, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच जॉइंट वेंचर को स्थापित करने को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से जर्मनी 1990 की शुरुआत में ही एसरम परियोजना से अलग हो गई थी और फिर उसके बाद यूके इस परियोजना में अकेले ही आगे बढ़ी और फिर इस मिसाइल को सबसे पहले रॉयल एयरफोर्स की सर्विस में सन 1998 में शामिल किया गया। ये एक विद इन विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि Mach 3 यानी कि करीब 3,704 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज है 25 किलोमीटर और ये क्लोज कॉम्बैट टारगेट्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और इस मिसाइल के टेल कंट्रोल के साथ कपल की गई बॉडी लिफ्ट टेक्नोलॉजी इसे एक बहुत ही हाईली मैन्यूरेबल मिसाइल बनाती है। इंडियन एयरफोर्स ने सन 2013 में अपने सेपेगेट जैगवार फाइटर्स के लिए इसराइल की पाइथन, जर्मनी की IRIS-T और अमेरिका की AIM-9X साइडविंडर मिसाइल्स को छोड़कर यूके की इस एसरम मिसाइल को चुना था, जिसके बाद 8 जुलाई 2014 को भारत और यूके के बीच 384 एसरम मिसाइल्स को खरीदने के लिए डील साइन की गई थी। और इस मिसाइल की मदद से इंडियन एयरफोर्स ने अपने सेपेगेट जैगवार फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाने वाली पुरानी मत्रा मैजिक R-550 मिसाइल्स को रिप्लेस किया है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि यूके की एसरम मिसाइल रशिया की R-73 मिसाइल की तुलना में कितनी ज्यादा सुपीरियर है। तो रशिया की R-73 भी एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे सर्विस में सन 1984 में शामिल किया गया था, और ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम रफ्तार के साथ करीब 30 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस मिसाइल को केवल सुखोई SU-30 MKI फाइटर्स में ही नहीं बल्कि LCA तेजस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस की R-73 मिसाइल को भी रिप्लेस करने के लिए पहले इसराइल की पाइथन 5 मिसाइल को चुना था, लेकिन फिर बाद में इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस के लिए पाइथन 5 मिसाइल को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जब पाइथन 5 मिसाइल को LCA तेजस में इंटीग्रेट करके उसके कैप्टिव ट्रायल्स आयोजित किए गए थे तब इस मिसाइल के वाइब्रेशन को काफी ज्यादा पाया गया था। अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो R-73 मिसाइल 7.4 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 30 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और वहीं एसरम मिसाइल 10 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि R-73 मिसाइल की रेंज यानी कि उसकी मारक क्षमता एसरम मिसाइल की तुलना में ज्यादा है, तो फिर एसरम मिसाइल इससे सुपीरियर कैसे हुई। तो आपको बता दें कि वेपन की रेंज से ज्यादा उस वेपन की एक्यूरेसी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही एक ऐसा फैक्ट है जो एसरम मिसाइल को केवल R-73 नहीं बल्कि दुनिया भर में सर्विस में मौजूद ज्यादातर इंफ्रारेड मिसाइल से ज्यादा सुपीरियर बनाती है, क्योंकि वर्तमान समय में मौजूद दुनिया भर की अधिकतर इंफ्रारेड मिसाइल्स बहुत ही कम एक्यूरेट होती हैं, यानी कि उनकी सटीकता बहुत ही कम होती है, और इन मिसाइल्स को किसी भी फ्लेयर्स जैसे हीट डिकॉयज से आसानी से चकमा दिया जा सकता है, और इनमें से अधिकतर मिसाइल्स 18 किलोमीटर से ज्यादा किसी भी हीट सोर्स को ट्रैक करने में कामयाब नहीं है। और भले ही एसरम मिसाइल में भी अदर इंफ्रारेड मिसाइल्स की तरह इंफ्रारेड सीकर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरर्स ने जो इसमें सबसे अलग चीज करी है वो ये है इसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम में लगातार सुधार, जिसकी मदद से ये मिसाइल एम्बिएंट और बैकग्राउंड हीट सिग्नेचर्स को डिफरेंशिएट कर सकती है। हालांकि रशिया ने अपनी R-73 मिसाइल में भी अब नए एडवांस इंफ्रारेड सीकर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिलहाल अभी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रशिया इस मिसाइल का उत्पादन शुरू करेगी या नहीं। और वहीं जैसे कि हमने कहा कि एसरम मिसाइल एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, यानी कि ये R-73 मिसाइल से एक जनरेशन ज्यादा है, और जबकि R-73 मिसाइल काफी पुरानी है
और इसमें ज्यादा अपग्रेड भी नहीं किए गए हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास खुद के अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, तो भारत अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल करने के बजाय किसी दूसरे देश से मिसाइल क्यों खरीद रहा है। तो आपको बता दें कि फिलहाल अस्त्र मिसाइल को किसी क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर विकसित नहीं किया गया है, और जबकि अस्त्र मिसाइल क्लोज कॉम्बैट के टारगेट्स के खिलाफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किसी भी क्लोज कॉम्बैट या डॉग फाइट में एक पायलट को अपने दुश्मन को एंगेज करने के लिए ऐसी मिसाइल की जरूरत होती है जो बहुत तेजी से रिएक्ट करे, ताकि किलिंग प्रोबेबिलिटी को कहीं ज्यादा बढ़ाया जा सके। और एमबीडीए की इस अस्त्र मिसाइल ने अपनी इस कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, और इन्हीं सब काबिलियत के चलते ये मिसाइल काउंटर मेजर्स के खिलाफ भी एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अस्त्र मिसाइल एयरक्राफ्ट के सेंसर्स जैसे कि रडार या फिर हेलमेट माउंटेड साइट से टारगेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती है, और ये मिसाइल ऑटोनॉमस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के तौर पर भी काम कर सकती है। और इंडियन एयरफोर्स इस अस्त्र मिसाइल को LCA तेजस फाइटर और अपग्रेडेड रशियन MiG-29 फाइटर्स की फ्लीट में भी इस्तेमाल करने पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अस्त्र मिसाइल की इंटीग्रेशन के लिए Sukhoi-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट ही प्राथमिकता सूची में शामिल है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।